पंचायत से दूदू नगर पालिका बना। अब यकायक दोनों जगह पर जिला बन गए। इस जिला बनाओ वोट बैंक ढूंढो की राजनीति ने राजस्थान के नहीं पूरे विश्व में सबसे पसंदीदा पर्यटकों के शहर जयपुर की राजधानी जिसको कहते हैं उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया। आश्चर्य यह है कि न्यायिक अधिकारी जयपुर में बैठेंगे पर उन न्यायिक अधिकारी जो जिला न्यायिक सत्र अधिकारी है न्यायाधीश है उनका कार्य क्षेत्र अब तीन तीन जिलों में हो जाएगा। इस प्रकार के जिलों का बनता हमने पहली बार देखा है। हमेशा जिला जब बनता है तो जिला से संबंधित सारे प्रशासनिक व्यवस्थाओं को पहले देखा जाता है, कहां जिला सत्र न्यायाधीश बैठेंगे, कहां एसपी का ऑफिस होगा, कहां जिला कलेक्टर का ऑफिस होगा, कहां जिला शिक्षा अधिकारी, अनेक नाना प्रकार के अधिकारी वहां बैठेंगे, किस प्रकार बैठेंगे, कोई जगह नहीं है। 2000 करोड़ की राशि वो भी बजटीय प्रावधान इस वर्ष के लिए इस बजट में कितना किया वो सामने आएगा। और 19 जिले मैं समझता हूं कि एक जिले को संचालित करने के लिए कम से कम 500 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। ये आईवास है, ये जिले बनाने के पीछे मुख्यमंत्री जी दबाव की राजनीति के शिकार हुए हैं। इन 6-8 महीनों में मुख्यमंत्री जी का हर निर्णय उनके सहयोगियों के द्वारा धमकी देने पर कमजोर और भयक्रांत मुख्यमंत्री फैसला करने लगे, ये सामने आ गया। जिले बनाने में जिस किसी ने त्याग पत्र की धमकी दी वो चाहे रघु शर्मा हो सकते हैं, वो चाहे राजेंद्र कोटपुतली के मंत्री राजेंद्र यादव हो सकते हैं, वो चाहे अन्य इनके सहयोगी हो सकते हैं, जिस किसी ने धमकी मारी वो जिला बन गया। मैं समझता हूं इससे भला होने वाला नहीं है। ये अपने खोए हुए जन आधार को, अपने समाप्त हो चुके वोट बैंक को ढूंढने की एक तरह से प्रयास है। राजस्थान की जर्जर अर्थव्यवस्था पर एक और सुराख इन्होंने कर दिया जिसका खामियाना राजस्थान को भुगतना पड़ेगा।